नमस्कार, मैं नैन्सी और आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव न्यूज़। आप सभी दर्शकों का खबर सनमार्ग में स्वागत है। नजर डालते हैं आज के तमाम बिहार झारखंड की खबरों पर। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1986 बैच के पदाधिकारी डीके तिवारी झारखंड के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। झारखंड के 22वें मुख्य सचिव के रूप में रविवार को डीके तिवारी ने सुधीर त्रिपाठी से पदभार ग्रहण कर लिया। वहीं 1987 बैच के पदाधिकारी सुखदेव सिंह नए विकास आयुक्त बनाए गए हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद मुख्य सचिव ने कहा कि आम लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि सरकार उनके लिए सहज रूप से उपलब्ध है। खासतौर पर सुदूर ग्रामीण इलाकों के लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए। इसके लिए सभी अधिकारियों को ग्रामीण इलाकों में जाना होगा, साथ ही सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। जो हमारे नागरिक, जो आम आदमी, उसको ये अनुभव हो कि मुझे सरकार सहज रूप से उपलब्ध है, प्रशासन के लोग सहज रूप से उपलब्ध हैं और वो मेरी सहायता के लिए हैं, वो मेरे लिए ही कार्य। तो इन यद्यपि कुछ अगले एक वर्ष में यहाँ पर पार्लियामेंट्री चुनाव के बाद असेंबली का भी चुनाव होगा, लेकिन उसी बीच में जो समय होगा, हम लोगों को मिलकर ऐसा प्रयास करना होगा कि जो मोमेंटम है, जो गति है विकास की, वो बनी रहे और बल्कि उसमें और वृद्धि हो और राज्य में सभी लोगों को सफलता मिले। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पर गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि बक्सर में बीजेपी के सम्मेलन के दौरान अश्विनी चौबे और एसडीएम के बीच आचार संहिता उल्लंघन को लेकर विवाद हुआ था। अश्विनी चौबे जी का जो व्यवहार रहा है एसडीएम के साथ, वो व्यवहार अपने दौर का सबसे बड़ा काला सच है। उस काले सच में इन्हें लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनकी मुट्ठी में है। चुनाव आयोग को हमने लगातार देखा है बीते दिनों और लगातार आगाह भी करते रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती करते रहे हैं। चुनाव आयोग महोदय, ये चुनाव आपके लिए भी परीक्षा का प्रश्न है। रीढ़ की हड्डी संस्थाओं की खत्म हो रही है। अगर इस मसले पर सख्त रवैया नहीं लिया गया तो मैं समझ रहा हूं कि चुनाव आयोग नाम की चीज इस मुल्क के इतिहास में इतिहास बन के रह जाएगी। 324 के तहत निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के आप पैरोकार हैं, कस्टोडियन हैं, आप किसी दल के कस्टोडियन नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। रविशंकर ने कहा है कि राहुल गांधी चुनावी हिंदू बने हुए हैं। चुनाव हो या न हो, मैं भक्त आदमी हूँ और मैं भक्त के रूप में मंदिर भी जाता हूँ, तिरुपति भी जाता हूँ, पटना के महावीर स्थान भी जाता हूँ, गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा पटना साहिब भी जाता हूँ, बाकी कामाख्या भी जाता हूँ, उसका चुनाव से लेकिन जो राहुल गांधी कभी अपनी जनेऊ को दिखाया नहीं करते थे, उनके बारे में कहा जाए कि ये जनेऊधारी हिंदू है और उनका ये गोत्र ये है, तो हिंदुइज्म को एक राजनीतिक पक्ष के रूप में पहली बार समझा जाना। मौसम चुनावी है तो नेताओं का मिजाज बदलना भी लाजमी है। आप पाटलिपुत्र सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव को ही ले लीजिए। खुद को लोगों की नजरों में उतारने के लिए अपनी लग्जरी गाड़ी की सीट छोड़ उन्होंने ई रिक्शा की हैंडल संभाल ली है। बगैर लाल लश्कर के सांसद ने पटना के गांधी मैदान के आसपास कुछ देर तक ई रिक्शा चलाया और फिर चलते बने। लोगों की माने तो रामकृपाल यादव लोगों के बीच में रहने वाले नेता है, लेकिन सांसद का ऐसा करना एक चुनावी स्टंट माना जा रहा है जो लाजवाब है। देश का चुनाव हो और राजनीतिक गलियारों में हलचल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे में आज राजधानी पटना में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान सीपीआई के महासचिव डॉक्टर के नारायण ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर एक बड़ा आरोप लगाया है। पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर के नारायण ने कहा कि अमित शाह के पास बहुत से ब्लैक मनी है, अगर उनका बैंक अकाउंट खंगाला जाए अथवा चेक किया जाए तो यह प्रूफ हो सकता है। साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए डॉक्टर के नारायण ने कहा कि जो वादा नरेंद्र मोदी ने किया था वो अब तक पूरा नहीं कर पाए हैं, अब तक बस गौ हत्या, काला धन और जाति आधार की संस्कृति को लेकर चल रहे हैं। कन्हैया की तारीफ करते हुए कहा कि बेगूसराय में कन्हैया की जीत सुनिश्चित है, युवा और बेगूसराय के लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, लेकिन राजद कांग्रेस गठबंधन में 7 सीटों पर अभी भी पेंच फंसी हुई है। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने तेज प्रताप और तेजस्वी के रिश्ते के जरिए राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि जो भाई आपस में लड़ रहे हैं वो देश क्या चलाएंगे। जब तक कांग्रेस महागठबंधन की हालत ये है, तभी भी 7 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं हो पाई है और सिर्फ फुटबॉल चल रहा है।
दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं, तो जो पार्टी में परिवार में झगड़ा है वो तो देश क्या चलाएंगे। एक प्रताप तेजस्वी का झगड़ा आपके सामने है, कांग्रेस की हालत ये है। एक समय में देश में राज करने वाली कांग्रेस जो है 9 सीटों पर सिमट गई। सुशील मोदी ने पटना साहिब के कांग्रेस उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा को स्टार प्रचारक बनाए जाने पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हमने तो पहले ही सलाह दी थी कि उम्र के इस पड़ाव में अपनी फजीहत मत कराइए। मैंने तो 5 दिन पहले ही कहा था कि उम्र के इस पड़ाव पर अपनी फजीहत मत कराइए, हो गया। पटना जो लोकसभा क्षेत्र है पाटलिपुत्रा, ये पटना साहिब बीजेपी का गढ़ है। शत्रुघ्न सिन्हा तो छोड़िए, अगर जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी आ जाएं तो भी जो बीजेपी को कोई वहां पर हरा नहीं सकता है। 5 हमारे एमएलए वहां पर हैं और एक एक विधानसभा में 30,000-40,000 की लीड हम देंगे। झारखंड के कद्दावर नेता रहे पूर्व बीजेपी सांसद सालखन मुर्मू ने जेडीयू का दामन थाम लिया। पटना में जेडीयू कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने सालखन को पार्टी की सदस्यता दिलाई। जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने के बाद सालखन मुर्मू ने कहा कि नीतीश कुमार की विचारधारा और काम करने की शैली से वे प्रभावित हैं, इसीलिए उन्होंने जेडीयू का दामन थामा। देखिए, बिहार से झारखंड अलग हुआ अभी 19 साल हो गए, लेकिन वहाँ जिस प्रकार विकास होना चाहिए, आदिवासी मूलवासी को न्याय मिलना चाहिए, ऐसा अभी तक ठीक से नहीं हो पाया है। मगर बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में जितना अच्छा काम हो रहा है तो नीतीश जी के विजन मिशन एक्शन प्लान को वहां भी ले जाना चाहिए। पटना में इंटरमीडिएट के नाराज छात्रों ने बोर्ड कार्यालय के बाहर हंगामा किया। ये छात्र सत्र 2018-19 के इम्प्रूवमेंट रिजल्ट जारी नहीं होने से नाराज थे। हंगामा कर रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि आनन फानन में रिजल्ट निकालने की वजह से छात्रों के भविष्य से बोर्ड खिलवाड़ कर रहा है। 50% रिजल्ट पिछले बार आया, इस बार 80% रिजल्ट आया, उसमें फर्स्ट डिवीजन 10% था। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट गलत आया, किसी को 0 नंबर इसलिए हम लोग का बिहार के बच्चों का बाहर में कोई भविष्य ही नहीं है। आज के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर छोटी बड़ी खबर आसानी से मिल सके। नमस्कार।